गाइज आई हैव अ स्मॉल कंटेंट फॉर यू गाइज. तो लास्ट टाइम मेरा जब एक हेडलाइट टूट गया था तो मैं मारुति सुजुकी गया था अपना हेडलाइट ठीक करवाने. तो वहाँ पे जाकर उन्होंने काम तो पूरा कर दिया बट मुझे नीचे से एक आवाज़ आ रही थी कंटिन्यूसली, जो कि आज मैं कार वॉश करते टाइम मैंने देखा कि वहाँ पे एक हेडलाइट का टुकड़ा इतना बड़ा वो वहीं पे पड़ा हुआ है. उसके बाद उन्होंने बम्पर को भी ठीक से लगाया नहीं. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उन्होंने अटैच किया बम्पर को, वहाँ पे खुला हुआ है वो वैसे ही. तो मैंने आज सोचा कि वहाँ पे और क्या क्या है, मैं फ्रंट कैमरा ऑन करके देखता हूँ. ये यहाँ पे निकला हुआ है, ये यहाँ पे लगता है, राइट. जैसे ये सेम मैं उस साइड आपको दिखा हुआ प्लास्टिक का टुकड़ा मुझे यहाँ पे पड़ा हुआ मिला था इसके अंदर यहाँ पे. और ये आप देख सकते हो पैनल कैप, यहाँ पे जो पैनल कैप बना हुआ है. सो गाइस दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दे डू. और उसके बाद वो लेबर चार्ज लेते हैं इस तरीके के काम के लिए विच इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड. तो चलिए गाइस इस बम्पर को हम वापस से लगा लेते हैं. मैं इस क्लिप को सबसे पहले बाहर निकालूंगा ऐसे, और ये क्लिप कुछ इस तरीके से दिखता है. आई एम श्योर आपने ये क्लिप पहले भी देखा होगा. और इसको मैं अभी इस होल में डालूंगा और मैं इसको जोर से प्रेस कर दूंगा. And that's how you do it. Please share this video as much as you can. Like this video अगर आपको ये useful लगा हो तो, informative लगा हो तो. Comment down below. अगर आप भी agree करते हो कि मारुति सुजुकी या कोई भी other service center में genuine जो रहता है authorized वहाँ पे ऐसा काम होता है तो. Thank you for watching this video guys.